पूजा जी, लेकिन इसमें एक चीज है, 2024 के अभी हालिया अगर हम परिणाम देखें यूपी में, तो आप लोगों ने शानदार किया, सत्ता आपकी आ जाती यूपी में अगर विधानसभा के चुनाव साथ हुए होते तो। देखिए मैं बार बार कह रही हूँ कि जो रीजनल जो प्रॉब्लम्स है उसको जो है साइडलाइन कर दिया जाएगा, ये फैक्ट है। अगर आप इस पे नहीं एग्री करना चाहते मत एग्री करिए। मैंने पहले बोला, मैं हमेशा कहती हूँ कि हर चीजों का एक वक्त होता है, अभी ये समय नहीं है कि वन नेशन वन इलेक्शन की बात की जाए। बार बार डंडे के तौर पर कही जा रही है कि हम देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाएंगे। आपको पता है कि 10% लोगों के पास में 60% देश की संपत्ति निहित है। आप 5% लोगों के पास में देश की 100% जो है संपत्ति निहित कर दीजिए और देश वर्ल्ड की फर्स्ट बन जाए अर्थव्यवस्था, उसमें क्या ही जो है फायदा होने वाला है आम जनता का। आम जनता के क्या फायदा हो वो जरूरी है। अभी जीएसटी पर बात कर रही थी, मुझे जब जीएसटी की बात चलती तो इसलिए हंसी आती है क्योंकि जीएसटी है क्या ये समझ ही नहीं आया लोगों को, आज तक नहीं समझ में आया। आप सवाल पूछ रहे जीएसटी के, लेकिन कलेक्शन तो बहुत हो रहे हैं जीएसटी का कलेक्शन। जीएसटी का कलेक्शन आप देखें, व्यापारी वर्ग, एक बड़ा व्यापारी वर्ग इससे संतुष्ट है। छोटी सी मैं व्यापारी हूँ, मुझे पता है। एक बड़ा व्यापारी वर्ग, मैं छोटे या बड़े की नहीं, एक बड़ा व्यापारी वर्ग। मैं समझ गई आपका कहने का मतलब क्वांटिटी और टॉकिंग अबाउट क्वांटिटी। मैं यही कह रहा हूँ कि जीएसटी लोगों को नहीं समझ में आ रही है और ये जीएसटी का जो आप कह रहे हैं बड़ा व्यापारी वर्ग, क्योंकि हम तो धंधा कर ही सकते हैं, वो समझ में आती ही नहीं है। और दूसरों के पीछे हैंडल कराते हैं। दूसरी बात कहते हैं, मैं बार बार कह रही हूँ कि अगर स्टेट इलेक्शन अलग होते हैं, अभी जो है भाजपा को जवाब देना पड़ता है, जो भी केंद्र में सरकार होती है उसको बार बार जवाब देना पड़ता है, जवाब देने के जाती है। अभिषेक जी अगर उनको वन नेशन वन इलेक्शन कराना है तो जम्पर सेट करते चले जाते। अभी बाई इलेक्शन अनाउंस नहीं किया इन्होंने उत्तर प्रदेश में, कर दिया होते अभिषेक के इलेक्शन करा रहे थे, फिर दिल्ली का भी इलेक्शन करा रहे थे।